हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। कैलकुलेट द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय एन इम्पीडेंस जेड इक्वल्स टू 30 माइनस जे 70 ओम व्हेन ए वोल्टेज वी इक्वल्स टू 120 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज अप्लाइड अक्रॉस इट। हमें एवरेज पावर निकालना है। यहाँ पे क्या हम क्या क्या यूज करेंगे? जो वी होगा गिवन है, वी इज गिवन इन पीक फॉर्म। हमारा वी जो पीक फॉर्म के उसमें गिवन है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू नहीं है वो। तो कैसे निकाल करेंगे, मैं एक बार इसको डायग्राम बनाता हूँ, इसका सर्किट बनाएंगे तो ये किस टाइप का दिखेगा। एक मिनट, वी कस टू, यहाँ पे इसको लिखो 120, एक सेकेंड, 120 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री वोल्ट। वी की वैल्यू दे रखी है हमें और हमें एक इम्पीडेंस दे रखा जेड। जो जेड है इसकी वैल्यू कितनी है? 30 माइनस जे 70 ओम। अब हमसे पूछेगा कि एवरेज पावर क्या होगी। तो एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एवरेज पावर जो होता है फॉर्मूला कितना होता है एवरेज पावर का, हाफ वी एम आई एम कोस थीटा वी माइनस थीटा ई, यानी वोल्टेज माइनस करंट का डिफरेंस। वी एम चाहिए हमें, वी एम हमें 120 की, आई एम और चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो आई कस्ट कितना हो जाएगा, वी अपॉन जेड होता है। वी की वैल्यू 120 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और जेड की वैल्यू है 30 माइनस जे 70। 10 का डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये बचा 3 माइनस जे 7, ठीक है। तो इसको पोलर, इसको फेजर में चेंज करो नीचे वाले को, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 49 एट एन एंगल ऑफ माइनस, माइनस क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, 10 इनवर्स 7y3। तो आई कस टू कितना आ गया, 12 अपॉन 58 एट एन एंगल ऑफ, ये ऊपर जाके एंगल प्लस हो जाएगा और ये आएगा 10 इनवर्स 7 बाई 3 आएगा हमारा 66.8, ठीक है। ये ऊपर जाके जीरो प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस में लिख दे रहा हूँ और ये होगा √58, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू आ गई हमसे, हमें क्या चाहिए, एवरेज पावर। तो आई एम ये रहा, वी एम भी पता हमें, और थीटा वी माइनस थीटा ही कितना होगा, यहाँ जीरो माइनस दिस वाला एंगल, ठीक है। तो एवरेज पावर कितनी आ गई, हाफ वी एम कितना 120, आई एम 12 अपॉन √58 कोस थीटा वी, थीटा वी हमारा 0 डिग्री है, माइनस थीटा आई 66.8। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, इससे 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये सोल्व होकर आ गया। इसको एक साथ मैं लिख दे रहा हूँ, 60 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय √58 मल्टीप्लाई बाय कोस 66.8 37.24 इतने वॉट, ठीक है। तो हमारी एवरेज पावर आ चुकी है 37.24 वॉट। तो इतनी पावर एब्जॉर्ब होगी। अब ये जो पावर एब्जॉर्ब हो रही है, क्या ये देखो, यहाँ ध्यान से देखा जाए, ये किस किस का सीरीज, अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर है माइनस जी 70 और ये 30 ओम रजिस्टर है। तो पावर जो एब्जॉर्ब हो रही होगी क्या इसके अक्रॉस भी होगी या दोनों के अक्रॉस होगी? एक बात ध्यान रखनी है, जब भी सर्किट में इंडक्टर आए या कैपेसिटर आए, वो जीरो एब्जॉर्ब पावर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर एवरेज पावर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए याद रखना, इंडक्टर और कैपेसिटर कोई भी एवरेज पावर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो सारी जो पावर ये एब्जॉर्ब हो रही होगी किसके अक्रॉस होगी, इस 30 ओम के अक्रॉस, ठीक है। इसके अक्रॉस कितनी होगी, 0 वॉट। तो इस तरह से याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो हमें डायरेक्ट उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है ये 90 आ जाता है, cos 90 उसको 0 कर देता है, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना,
इस वीडियो में इतना ही। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।